हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक्सेलरेटर सीरीज़ में। और आइए बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की। आज की इस शॉर्ट क्लिप में स्टूडेंट्स, हम लोगों को बात करनी है डायमेंशन एनालिसिस की। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लिप्स के अंदर आपको एरर एनालिसिस की बात बताई है और उसके ऊपर वो प्रॉब्लम्स बताई हैं जो जनरली आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, अब हम बात करने वाले हैं बच्चों डायमेंशन एनालिसिस की, जो डायमेंशन के ऊपर हमारी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं या एग्ज़ाम्स के अंदर प्रॉब्लम आती हैं, हम उनकी बात करेंगे। बच्चों देखिए, प्रॉब्लम क्या है ज़रा समझिएगा स्टूडेंट ध्यान से। एक बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस तरीके की प्रॉब्लम को पूछे जाने के जो चांसेस हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। मास, आप लोग सब जानते हैं कि मास क्या है, ठीक है। वैसे तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास में फिक्स है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया बच्चों, हम लोगों ने फोर्स, एनर्जी और वेलोसिटी, इन तीनों को फंडामेंटल माना और हमने कहा कि जो मास है वो इन तीन क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी। थोड़ा ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा बच्चों। मास अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है बच्चों, लेकिन हमने फोर्स, एनर्जी और वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी मानकर ये कहा कि ये जो मास है ये इन तीन, हालांकि ये फंडामेंटल है नहीं, हमने अपनी तरफ से इमेजिन किया, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं बच्चों। अब कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हमें इसकी डायमेंशन इनके टर्म्स में निकालनी है। देखिए स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, मास यानी m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है फोर्स की पावर a, एनर्जी पर डिपेंड करता है एनर्जी की पावर b, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है वेलोसिटी की पावर c। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, मास डिपेंड करता है तीन फैक्टर्स पर, फोर्स पर, एनर्जी पर और वेलोसिटी पर। तो हमने आपके सामने लिख दिया कि भाई मास इन तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। आइए अब देखते हैं कि हम लोग कैसे काम करेंगे। भाई हम दोनों तरफ डायमेंशन टेक कर लेते हैं बच्चों, मास की जो डायमेंशन है वो m ही रहने वाली है। अच्छा, मास के साथ कुछ और है नहीं, इसीलिए लेंथ की पावर भी ज़ीरो यानी l की पावर भी ज़ीरो और t की पावर भी ज़ीरो इज इक्वल टू, फोर्स की डायमेंशन हमारे पास में रहने वाली है MLT-2 की होल पावर a। ये छोटा सा काम आप लोगों को पता होना चाहिए, सबकी डायमेंशंस आपको याद होनी चाहिए, तभी आप बेहतर तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। मास डिपेंड करता है थ्री फैक्टर्स पर, तो हमने कुछ इस तरीके से लिखा, मास की डायमेंशन ये है, फोर्स की डायमेंशन ये है। देखिए स्टूडेंट, अब एनर्जी की डायमेंशन क्या होने वाली है, एनर्जी की डायमेंशन रहेगी ML2T-2 की होल पावर b और वेलोसिटी की डायमेंशन रहेगी LT-1 की होल पावर c। अब आपको दोनों की पावर्स को कंपेयर करना है स्टूडेंट आपस में। देखिए जब दोनों की पावर को कंपेयर किया जाएगा तो ये बना m L2 power 0 T2 power 0 इज इक्वल टू m। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, M2 power a M2 power b यानी M2 power a+b, L2 power a L2 power 2b और यह है L की पावर c, T2 power -2a T2 power -2b और यह है स्टूडेंट -c। हम लोगों ने पावर को थोड़ा सा कंप्लीट करके यानी एक साथ कंबाइन करके लिख दिया है, मास की पावर a, मास की पावर b, तो पावर आपस में ऐड हो गई है। ऐसा ही हम लोगों ने लेंथ में स्टूडेंट्स किया है और बिल्कुल ऐसा ही हम लोगों ने टाइम में किया है। अब दोनों की पावर्स को आपस में कंपेयर कराते हैं। देखो भाई, जैसे ही पावर को आप आपस में कंपेयर कराओगे, यहाँ M2 power 1 है, यहाँ M2 power a+b है, सो हम लोग लिखेंगे a+b इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट L2 power 0 है और यहाँ L2 power है a+2b+c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर T2 power 0 है और यहाँ है -k2a -k2b -k c इज इक्वल टू 0। इधर की डायमेंशंस हम लोगों ने निकाली, इधर की डायमेंशन हमें पता है, LHS को RHS के इक्वल रख के हमने पावर्स को आपस में कंपेयर कर दिया है, ये रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आया। अब हमें इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना है बच्चों।
इक्वेशन वन, इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री। इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री को जैसे ही हम ऐड करेंगे, प्लस सी माइनस सी, प्लस टू बी माइनस के टू बी कैंसिल आउट, ए और माइनस ए, ये बनेगा माइनस के ए इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ए इक्वल टू ज़ीरो, ए की वैल्यू हमारे पास में आती है ज़ीरो। ए को यहाँ पुट करेंगे, बी की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास में आने वाली है वन। ए इक्वल टू ज़ीरो एंड बी इक्वल टू वन, और इन दोनों की वैल्यू को उठाकर जब यहाँ पुट किया जाएगा, ध्यान से हमारी बात को सुने, ए इक्वल टू ज़ीरो, बी इक्वल टू वन, सी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी हमारे पास में माइनस के टू। ए इक्वल टू ज़ीरो, बी इक्वल टू वन, सी की वैल्यू निकलेगी माइनस टू। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मास की डायमेंशन रहने वाली है वो ये रहेगी बच्चों, फोर्स टू द पावर ज़ीरो, एनर्जी पावर वन एंड वेलोसिटी की पावर माइनस टू। ये कंडीशन हमारे सामने रहने वाली है बच्चों, ये मास की डायमेंशन रहने वाली है हमारी नई फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बच्चों। ये डायमेंशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाली प्रॉब्लम है बच्चों, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए देते हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम बनाना है और कमेंट बॉक्स के अंदर प्रॉब्लम का जो आंसर है वो मेंशन करना है बच्चों। टी यानी टाइम पीरियड तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट है एनर्जी, सेकंड है फोर्स, और थर्ड है हमारे पास में वेलोसिटी। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, हम लोगों ने सिर्फ मास को रिप्लेस कर दिया है टाइम के साथ। टाइम की डायमेंशन निकालनी है इन तीन फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बच्चों मेंशन करेंगे, और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लिप में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।